भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री व गुजरात के सह प्रभारी गौरव गौतम के स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ब्राह्मण धर्मशाला में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गौरव गौतम का फूल मालाओं से व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हुड्डा सेक्टर 2 चौक से ब्राह्मण धर्मशाला तक एक भव्य रोड शो भी निकाला गया। रोड शो के दौरान जगह जगह राष्ट्रीय मंत्री गौरव गौतम का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ जिलाध्यक्ष चरण सिंह तिवतिया, हतीन से विधायक प्रवीण डागर व भाजपा नेता सुभाष चौधरी सहित अन्य भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। ब्राह्मण धर्मशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश के राष्ट्रीय मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गौतम ने कहा कि उन्होंने पार्टी में रहकर एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करने का काम किया, उसी का नतीजा है कि आज पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारी दी, जिसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। उन्होंने कहा कुछ विपक्षी लोग तरह तरह के भ्रामक प्रचार कर भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही, लेकिन जमीन से जुड़ा हर व्यक्ति यह समझा हुआ है कि भाजपा ही असल में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली जनहितैषी पार्टी है। गौरव गौतम ने कहा कि संगठन और समाज के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को अगर किसी पार्टी में सम्मान मिलता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत देश बना है। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश व प्रदेश में विकास कार्यों की झड़ी लगा रखी है। देश का जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उतना विकास किसी सरकार में नहीं हुआ। गौतम ने कहा भारतीय जनता जनहितैषी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पूर्व की सरकारों ने केवल जनता को लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया, जबकि भाजपा पार्टी ने हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक फैसले लिए। और देश की जनता भी अब यह जान चुकी है कि अगर देश का कोई भला कर सकता है तो वो केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों पर केवल और केवल किसान मजदूर और लोगों को बरगलाने व झूठ की राजनीति करनी आती है। उन्होंने कहा कि जिले की जनता और कार्यकर्ताओं द्वारा जो आज उनका भव्य स्वागत किया गया है, उसके लिए वो उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पार्टी का दायित्व मिला है, इस दायित्व को सभी साथियों के साथ मिलकर, चाहे प्रदेश की कोई जिम्मेदारी हो, चाहे जिले की कोई जिम्मेदारी हो, चाहे राष्ट्र की कोई जिम्मेदारी हो, उसको मजबूती से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये तय है कि अगर देश का भला नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कर सके तो कोई करना आने वाले 25-30 साल तक में दिखाई नहीं देता। ऐसी सरकार को, ऐसी पार्टी को मुझे सौभाग्य है कि एक छोटे से गांव से निकलकर आप सबके आशीर्वाद से मुझे इतना बड़ा दायित्व मिला है और इतनी भारी संख्या में रोड पर और मेरे सामने सारे लोग आए। मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इनका स्वागत मेरे सिर माथे पर जब भी किसी ना किसी रूप में इनका स्नेह और प्यार और आशीर्वाद किसी ना किसी रूप में लौटाने के लिए जरूर प्रतिबद्ध हो। किसी भी माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से, चाहे पार्टी के माध्यम से, चाहे कोई भी माध्यम और हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी रूप में आपका प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद जरूर आपको सूद और ब्याज समय जरूर दूंगा, ऐसा आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करता हूं।